फाइनली हम सेकेंड चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। उसमें हमें कॉमन पोटेंशियल यूज़ करना है, तो पहले हम कॉमन पोटेंशियल पढ़ लेते हैं। कॉमन पोटेंशियल में क्या है कि व्हेन टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर, सपोज ये हमने एक ये कैपेसिटर लिया, एक ये कैपेसिटर लिया, इनकी कैपेसिटेंस अलग अलग हैं, पोटेंशियल अलग अलग हैं, इनको आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दें तो जो चार्ज है उसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और ये फ्लो तब तक चलता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाएं। इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। हियर आर माई टूल्स, ये सब मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो अब देखिए, हमने ये मान लिया कि दो कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटेंस यहाँ पर ये C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसके पोटेंशियल V2 है। अब बोला है अभी फ़िलहाल तो ये है बिफोर शेयरिंग, बिफोर कनेक्टिंग, ठीक। अब इनको अगर कनेक्ट कर दिया जाए किसी कॉपर वायर से, ये जैसे कि कॉपर वायर लिया, इससे इनको कनेक्ट कर दिया गया, तो अब क्या होगा कि जो चार्ज है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें आप बताएंगे मुझे कि विच वन इज एट हायर पोटेंशियल, किस पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा। चलिए ठीक है, मैं बता देती हूँ कि इस वाले कैपेसिटर में जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं, और ज़्यादा क्लोज चार्ज होने का मतलब है कि यही हायर पोटेंशियल पर होगा, मीन्स अगेंस्ट द रिपल्शन ज़्यादा क्लोज करके रखा जा रहा है, तो उनमें ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी ना, तो ये ज़्यादा पोटेंशियल पर होगा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो जितनी r कम होगी उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। अब जब इनको कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा है, मींस इधर से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलने शुरू होंगे। वैसे भी हमें ये पता है कि ये हायर पोटेंशियल पर है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि करंट तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर ही चलता है, तो करंट इस तरफ से फ्लो होना शुरू होगा, और करंट इधर तो इलेक्ट्रॉन इस इधर, और जब इस पर इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे तो कुछ प्लस चार्ज जो है वो उसके साथ न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा, और इस तरह से ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के जो पोटेंशियल हैं वो सेम नहीं हो जाते। ये V1 V2 हटा देती हूँ, अब ये कनेक्ट करने के थोड़ी देर बाद पोटेंशियल जो है ये V हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात और बताइए मुझे कि ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, क्या लग रहा है आपको? अगर सीरीज में लग रहा है ना तो आप बिल्कुल गलत हो, और अगर पैरेलल में लग रहा है तो वेरी गुड, शाबाश। पैरेलल में क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इनको कनेक्ट किया गया है, तो जब प्लस प्लस प्लेट जो है कैपेसिटर की वो किसी एक ही वायर से एक कनेक्ट हो जाएंगी तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस तरह से कि ये एक है और ये दूसरी इस साइड आ गई है, और इनको दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया जाएगा इस वायर से, इस तरीके से ये कनेक्ट होंगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल कैसे कॉमन हो जाता है। अब हम उस कॉमन पोटेंशियल को निकाल लेते हैं। यहाँ हमने लिख लिया है कि ये दो कैपेसिटर हैं C1, C2 और यहाँ V1, V2, इनके पोटेंशियल्स हैं। यहाँ पर अभी ये हमने की लगा दी है समझने के लिए कि फ़िलहाल यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है इनका आपस में, तो इसलिए बिफोर कनेक्टिंग ये इस तरीके से हैं, और जब इनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो ये है C2 और ये है C1। यहाँ पर भी पोटेंशियल V हो जाएगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल V हो जाएगा। देखिए, चार्ज में भी चेंज आ रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमने स्टार्टिंग में चार्ज सेम लिया हो, चार्ज Q1 Q2 इस तरह से हो सकते हैं कुछ भी। तो अब यहाँ हम मान लेते हैं कि इनिशियली जैसे इसका चार्ज Q1 था, इसका चार्ज Q2 था, तो फिर अब ये देखते हैं कि कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा इनका। तो अब हम इसमें फाइंड कर लेते हैं कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल वी, V इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ V फाइंड करना है, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C मीन्स टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज है Q1 प्लस Q2 एंड टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो रहे हैं ये,
तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C1 plus C2 क्यों आया है, बिकॉज C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसलिए। तो ये V आ गया हमारे पास। अब यहाँ Q1 की वैल्यू क्या पुट कर दें हम, C1 V1 और Q2 की वैल्यू C2 V2, तो ये C1 प्लस C2 हो गया। ये हमने क्या यूज़ किया है, Q इज इक्वल टू CV, तो ये कॉमन पोटेंशियल आ गया है हमारे पास। अब कॉमन पोटेंशियल के बाद हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस, हमने जो अभी पीछे पढ़ा था कि इस तरह से इनको कनेक्ट कर दिया गया है, तो जब इस तरह से ये कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो कुछ एनर्जी लॉस होता है, वो एनर्जी लॉस हम फाइंड कर रहे हैं। ये तो हमें पता है कि कनेक्ट करने के बाद इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, दोनों का कॉमन पोटेंशियल वी पे आ जाते हैं। तो जब इस तरह से कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है तो चार्ज का तो कोई लॉस नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल जो है वो सेम होने के प्रोसेस में एनर्जी का लॉस हो जाता है कुछ, तो वही एनर्जी का लॉस हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इनिशियल एनर्जी जिस टाइम पर वो कांटेक्ट में नहीं है, इस वाली कंडीशन में कि जब इनमें कोई शेयरिंग या कोई कनेक्शन नहीं है, इस कंडीशन में जो इनिशियल एनर्जी है U1 plus U2। अब ऐसे में इस वाले की एनर्जी कितनी होगी, इसकी हो जाएगी C1 V1 square by 2 और यहाँ C2 V2 square by 2, हाफ CV square होती है ना एनर्जी, तो हमने इसी से ये दोनों की एनर्जी लिख दी है। अब जब दोनों को कनेक्ट कर दिया है तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं, तो उसके बाद फाइनल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो फाइनल एनर्जी अब क्या हो जाएगी, हाफ C1 V square प्लस हाफ C2 V square, यहाँ दोनों ये V आ गए हैं। अब V की वैल्यू हमें पता ही है तो हम V की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमने ये 1/2 तो कॉमन ले लिया, C1 plus C2 ऐसे लिख लिया, इसको V square लिख दिया। तो अब इस तरह से यहाँ अब हम V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हाफ C1 plus C2, और V की वैल्यू आपको याद है बताइए, तो V की वैल्यू है C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर ये V की वैल्यू पुट कर दी है। और एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी हम निकाल ले रहे हैं इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी, कि ये इनिशियल एनर्जी है ये फाइनल है, इन की वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर लेंगे। अब तो यहाँ मैंने सॉल्व कर लिया है, ये कि एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, और फिर C1 की मल्टीप्लाई कर दी है, फिर C2 की मल्टीप्लाई कर दी है, फिर ये होल स्क्वायर जो है ये ओपन कर दिया है A plus B whole square से, और जो फिर कैंसिल हो गए हैं उन्हें कैंसिल कर दिया है। अब हर एक टर्म जो बची है उसमें C1 C2 कॉमन है, तो C1 C2 कॉमन ले लिया, तो C1 C2 कॉमन लेने पर हमारे पास ब्रैकेट में ये बच गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 minus V2 का whole square, क्योंकि ये V1 square plus V2 square minus 2V1V2 बचा था। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो राइट हैंड साइड आई है, ये राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा किस तरह की होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ तो कुछ माइनस है ही नहीं, और यहाँ पर अगर नेगेटिव आ भी गया तो उसका भी स्क्वायर हो जाना है, तो पॉजिटिव ही हो जाना है। तो इस तरह से जो इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी है वो पॉजिटिव आएगी, और उसका मीनिंग है कि हमेशा इनिशियल एनर्जी जो है वो फाइनल एनर्जी से ज़्यादा ही रहेगी, मीन्स कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा ही होगा इसमें।